Hi friends, how are you all? I hope all of you will be good. This is Jagati. Friends, in this video we will understand the kidney diagram well. Do you understand kidney diagram in 3D? So इस वीडियो में हम किडनी के डायग्राम को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे 3D पिक्चर में देखेंगे ताकि जो भी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं उनको भी हम अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से क्लियर हो पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ इस डायग्राम के थ्रू। एंड फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो से पहले किडनी से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाई है जिनमें मैंने व्हाट इज़ अ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शंस ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। एंड फ्रेंड्स, नेफ्रॉन का वीडियो मैंने सेपरेट भी बनाया है, अगर आपने ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं और बेटर किडनी के बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को समझना बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो किडनी होती हैं वो टू होती हैं ह्यूमंस में, जो कि ब्लड को क्लीन करती हैं लाइक अ हार्ट। हार्ट की तरह किडनी जो होती हैं वो ब्लड को क्लीन करती हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं ब्लड में जो भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ह्यूमन की जो किडनी होती है वो एवरी सेकेंड एवरी डे वर्क करती है ह्यूमन की बॉडी में एंड कंटिन्यू ब्लड को क्लीन करती है और बॉडी में रिनल वेन के द्वारा फ्लो करती है। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर किडनी जो है वो एज अ ब्लड सर्कुलेट, जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो उसी दौरान जितने भी बेस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो किडनी में आ जाते हैं एंड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के थ्रू उस ब्लड का जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस है वो फिल्टर होकर जो क्लीन ब्लड है वो रीनल वेन के द्वारा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। फ्रेंड्स, आल्सो किडनी जो होती है वो यूरिन को भी मेक करती है एंड यूरिन को मेक करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वाटर बैलेंस को भी बनाए रखती है हमारी किडनी। एंड किडनी जो है, अगर हम लोग वाटर ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ओवर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। एंड अगर लेस अमाउंट में ले लिया है, कम अमाउंट में ले लिया है तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये तो हम लोगों ने देखा ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट द किडनी। एंड अब देख लेते हैं डायग्राम ऑफ द किडनी, 3D पिक्चर में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किडनी के सुपीरियर जो होती हैं एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि नंबर में टू होती है, बिकॉज किडनी नंबर में टू होती हैं लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट पे एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, हियर यू कैन सी एड्रेनल ग्लैंड। फ्रेंड्स, ये एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं एंड राइट किडनी एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती हैं वो एड्रेनालिन को रिलीज करती हैं, एड्रेनालिन को रिलीज करती हैं, जो कि एड्रेनालिन क्या करता है, जब कोई स्कैरी सिचुएशन होती है यानी कि कोई भयानक सिचुएशन या कोई ड्रावनी या कोई फाइटिंग कंडीशन होती है, वहाँ पे जो हमारा हार्ट बीट है वो तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो इसी एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज होता है एड्रेनालिन, उसी के द्वारा हमारा हार्ट जो है वो फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट हो जाती है किसके द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनालिन के रिलीजिंग के द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये देख लिया हम लोगों ने एड्रेनल ग्लैंड जो कि राइट एंड लेफ्ट किडनी के सुपीरियर में प्रेजेंट होती हैं, आप लोगों ने 3D में देखा है तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो लेफ्ट किडनी, सो जो किडनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रीनल वेन आप देख रहते हैं, रीनल वेन फ्रेंड्स, इट इज़ अ रीनल वेन, सो रीनल आर्टरी। सो रीनल आर्टरी क्या कहती है, दिस आर्टरी कैरीज ब्लड इनटू द किडनी टू द फिल्टर्स। फ्रेंड्स, जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड को किडनी तक लाती है, जो भी ब्लड होता है जो बॉडी सेल्स से जो आता है जो वो किडनी तक लाते हैं, कौन, रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड लाता है, रीनल आर्टरी लाती है फिल्ट्रेशन के लिए। एंड फ्रेंड्स, जो रीनल वेन होती है, हियर कैन सी रीनल वेन,
फ्रेंड्स, ये रीनल वेन जो होती है वो क्लीन ब्लड को, जो ब्लड क्लीन हो चुका है यानी कि रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में ब्लड आया एंड नेफ्रॉन के द्वारा क्लीन हो गया, देन रीनल वेन के द्वारा क्या हो जाता है, वापस बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, फ्लो हो जाता है। फ्रेंड्स, ये देखा हम लोगों ने रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन के द्वारा, रीनल वेन के बारे में। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम मल्टीपर्पज़ ऑफ ऑर्गन्स। फ्रेंड्स, ये जो किडनी होती है मल्टीपर्पज़ ऑफ ऑर्गन्स होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कैसे। द टू किडनी सिट हाई इन द बैक ऑफ द एब्डोमन। हमारी ये किडनी जो होती हैं वो टू सिचुएटेड होती हैं बैक ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के पीछे सिचुएटेड होती हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो किडनी होती हैं वो बीन शेप्ड होती हैं, मीन्स जैसा बीन का शेप होता है वैसी हमारी किडनी का शेप होता है। एंड फ्रेंड्स, इसके सराउंडिंग जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है टिश्यू की। फ्रेंड्स, यू कैन सी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जो किडनी के सराउंडिंग के होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है टिश्यू की जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है। ये फ्रेंड्स एड्रेनल ग्लैंड तक होती है, एड्रेनल ग्लैंड तक होती है जो कि एड्रेनल ग्लैंड को भी ये प्रोटेक्ट करती है। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने देखा मल्टीपर्पज़ ऑफ ऑर्गन, किडनी जो होती है वो मल्टीपर्पज़ ऑर्गन होता है। फ्रेंड्स, ये आउटर कवरिंग जो है ये हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। हेयर कैन सी आउटर कवरिंग, आउटर केसिंग भी बोलते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, ये द किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड आर रेप्ड इन अ लेयर ऑफ फैट एंड स्ट्रॉन्ग आउटर टिश्यू। फ्रेंड्स, ये किडनी के ऊपर क्या होता है, किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ये होती है जो कि फैट एंड टिश्यू की बनी हुई होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड को एंड किडनी को प्रोटेक्ट करती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेयर है ये यहाँ से ये एड्रेनल ग्लैंड तक, एड्रेनल ग्लैंड को भी प्रोटेक्ट कर रही है ये लेयर। सो फ्रेंड्स, इस लेयर के थ्रू किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड ये प्रोटेक्ट रहती हैं, प्रोटेक्शन में रहती हैं। फ्रेंड्स, ये देखा हम लोगों ने, अब देखते हैं फ्रेंड्स ये जो नेफ्रॉन है किडनी में, जो जिसके द्वारा किडनी जो है ब्लड को क्लीन करती है, नेफ्रॉन, हियर कैन सी नेफ्रॉन। सो फ्रेंड्स, ये जो है नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं ऐसे नहीं देख सकते, बट हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं अच्छे से, 3D डायग्राम है ये, तो अच्छे से देख पा रहे हैं इसको। इस नेफ्रॉन के इधर समझाया गया है फ्रेंड्स, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो कि 3D में दिखाया गया है। इस नेफ्रॉन के द्वारा ही ब्लड क्लीन होता है एंड रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड आता है और नेफ्रॉन में क्लीन होता है ब्लड, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो नेफ्रॉन के द्वारा क्लीन हो जाते हैं एंड नेफ्रॉन में जो ग्लोमुलस है इसके थ्रू ब्लड क्लीन होता है। फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। और फ्रेंड्स, हमने नेफ्रॉन का सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पर क्लिक करके। फ्रेंड्स, आप देखते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं सेंट्रल पेल्विस, जो कि ये कैन सी सेंट्रल पेल्विस। फ्रेंड्स, ये किडनी का सेंट्रल पेल्विस एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है सेंट्रल पेल्विस एरिया में। आप देख सकते हैं हम सेंट्रल पेल्विस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है और जब यूरिन कलेक्ट होने के बाद ये क्या नाम फ्रेंड्स, यहाँ पे यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भेज दी जाती है। और फ्रेंड्स, रेनल कॉर्टेक्स, हियर कैन सी रीनल कॉर्टेक्स। ये फ्रेंड्स रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल कॉर्टेक्स आउटर एरिया होता है किडनी का जो कि रेडिश ब्राउन शेप का होता है। एंड फ्रेंड्स, ये रीनल कॉर्टेक्स देन रीनल मेड्यूला। फ्रेंड्स, रीनल मेड्यूला के बारे में जानते हैं, रीनल मेड्यूला जो होता है इनर एरिया होता है किडनी का एंड जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन को मेक करता है। फ्रेंड्स, ये देख लिया हमने सेंट्रल पेल्विस, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला के बारे में। सो ये लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन सी लेफ्ट यूरेटर। फ्रेंड्स, लेफ्ट यूरेटर का लेफ्ट यूटर्स जो होते हैं वो टू होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो फ्रेंड्स, जो लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर, इन दोनों का वर्क जो होता है, जो सेंट्रल पेल्विस में यूरिन मेक होती है वो यहाँ पे आकर के इस यूरेटर्स के द्वारा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर तक यूरिन जाती है।
फ्रेंड्स ये देख लिया हम लोगों ने यूरेटर्स के बारे में भी, और फ्रेंड्स देख लेते हैं इनसाइड द किडनी, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं इनसाइड द किडनी, किडनी के बारे में। ईच किडनी हैज़ थ्री लेयर्स, किडनी में थ्री लेयर्स होती हैं, आउटर, इनर एंड सेंट्रल पेल्विस होता है जो कि ब्लड ब्लड फ्लो इनटू द कॉर्टेक्स फॉर फिल्टरिंग। ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है कॉर्टेक्स में फिल्टरिंग के लिए, एंड मेड्यूला एब्जॉर्ब कर लेता है जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, एंड देन ब्लड स्ट्रीम में देन फिर से रिटर्न हो जाता है। जो भी बेस्ट होते हैं वो सेंट्रल पेल्विस में, सेंट्रल पेल्विस में जो यूरिन के फॉर्म में रहते हैं, एंड देन यूरेट्रस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, एंड यूरेट्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। फ्रेंड्स ये हम लोगों ने देखा इनसाइड द किडनी। फ्रेंड्स नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। सो नेफ्रॉन फ्रेंड्स जो किडनी में है वो नेफ्रॉन जो होती हैं वो टिनी ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। फ्रेंड्स नेफ्रॉन में ब्लड जो होता है वो ब्लड इस अरिनल आर्टरी के द्वारा क्या होता है इसमें आता है ग्लोमेरुलस में, एंड ग्लोमेरुलस में ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है एंड देन पास हो जाता है वेस्ट, जो जितने भी वेस्ट होते हैं वो ग्लोमेरुलस से कोलाइड ट्यूब्यूल में पास हो जाते हैं एंड कलेक्टिव डक्ट में डिलीवर हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, एंड क्लीनिंग ब्लड जो क्लीन ब्लड जितना भी क्लीन ब्लड हो चुका होता है वो रीनल वेन के द्वारा फ्लो हो जाता है, एंड कैपिलरीज जो होती हैं फ्रेंड्स एयर क्वेंसी कैपिलरीज, तो कैपिलरीज क्या करती हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। फ्रेंड्स नेफ्रॉन के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, नेफ्रॉन कैसे क्या वर्क करता है पूरा प्रोसेस में बताया है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके, बट यहाँ पे हम ब्रीफली बता रहे हैं। नेफ्रॉन द किडनी कंटेन टिनी ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स। नेफ्रॉन जो होता है वो टिनी ब्लड फिल्टरिंग यूनिट होती है जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं, एंड नेफ्रॉन जो है वो ग्लोमेरुलस को कंटेन करता है, एंड यहाँ ग्लोमेरुलस जो है ब्लड वेसल्स इसके सराउंडिंग एक कैप्सूल होता है, एंड ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है, और जो कैपिलरीज होती हैं जो भी कैपिलरीज हैं वो कोई भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं सच एज ग्लूकोज, ये कैपिलरीज जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं एंड यूरिन को बनाती हैं। नेफ्रॉन को ये हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नेफ्रॉन। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन, जो ईच किडनी है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन को कंटेन करती है। नेफ्रॉन क्या है माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन बनाती है। फ्रेंड्स ये देख लिया हमने, और फ्रेंड्स हम आपको इम्पॉर्टेंट बता देते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स जो 1 to 2 liter यानी कि 2 to 4 pints of urine are filtered out of the blood each day। हमारे प्रत्येक डे में ब्लड जो है वो 1 से 2 liter हम फिल्टर होता है। फ्रेंड्स 1 से 2 liter फिल्टर होता है, एंड फ्रेंड्स ये हम लोगों ने देखा किडनी के बारे में 3D पिक्चर को देखा। सो आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा 3D पिक्चर में आपको ये पिक्चर के बारे में एंड किडनी के जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं इनके बारे में आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो देन लाइक इट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।